और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। तीन निजी अस्पतालों को एससीएमओ ने किया सील, बिना अनुमति संचालन पर एफआईआर की चेतावनी। एससीएमओ ने परियर और चकलवंशी क्षेत्र में संचालित निजी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मानक विहीन और अभिलेख न मिलने पर तीन अस्पतालों को सीज कर दिया गया। वहीं एक अस्पताल के संचालक को 5 दिन में अभिलेख प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बिना पंजीकरण व अनुमति के संचालन किया तो एफआईआर दर्ज होगी। क्षेत्र में बिना मानकों के कई अस्पताल संचालित हो रहे थे। नॉर्मल बुखार होने पर भी उन्हें डेंगू बताकर अस्पताल संचालक मरीजों से इलाज के नाम पर मोटी रकम लेते हैं। शुक्रवार को अमर उजाला में प्रकाशित खबर प्रकाशित होने पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जांच की। एसीएमओ डॉक्टर नरेंद्र सिंह परियर पहुंचे और निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया। सबसे पहले वह चंद्रा हॉस्पिटल पहुंचे। यहां अस्पताल बिना मानक संचालित होते पाया गया। उन्होंने अस्पताल संचालक से कागज दिखाने को कहा, लेकिन वो कागज भी नहीं दिखा सके। एससीएमओ ने अस्पताल को सीज करवाया। इसके बाद आरएस अस्पताल पहुंचे, जहां भी मानक विहीन संचालन मिलने पर ताला बंद करवाया। वहीं अनंत हॉस्पिटल में 4 मरीज भर्ती मिले। एससीएमओ ने मरीजों से जानकारी ली। इसके बाद संचालक से अभिलेख दिखाने को कहा, लेकिन कागज न दिखा पाने पर अस्पताल सीज करवाया और दोबारा संचालन पाए जाने पर मुकदमा दर्ज करवाने का निर्देश दिया। हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को सीएचसी सफीपुर में भर्ती करवाया। वहीं चकलवंशी में लक्ष्य हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया। यहां पर संचालक मौके से भाग निकला। अस्पताल में मौजूद स्टाफ कागज नहीं दिखा सके। एससीएमओ ने 5 दिन में कागज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।